अरे वाह, कितना लजीज खाना है भाई। पेट भर गया है लेकिन दिल नहीं भरा। वैसे करीम, एक बात बताओ मुझे, अगर अगर मैंने ना कर दी तो? यानी अगर मैं तुमसे कहीं दूर चली जाऊं तो, या फिर मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है पैक? जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दो। एपिक, यार जरा पॉजिटिव सोचो तुम। अगर मेरी जिंदगी में कोई और आ गया तो? वो सुलूक करूंगा कि याद रखेगा। खुशी हुई जानकर। अरे शायद मैं कोई चीज भूल रही हूँ, एक मिनट रुकना। कुछ और भी पूछना है करीम, अगर शादी के बाद मेरे बाबा ने तुमसे फिर से पैसे मांगे तो क्या करोगे? सच बताना। जहां तक पैसों की बात है, तुम्हारे बाबा हैं, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, क्योंकि वो तुम्हारे बाबा जो हैं। तुम कहोगी तो नहीं दूंगा मैं। शाबाश। तो फिर मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर सारी बातें कंटिन्यू करेंगे हम दोनों, ठीक है? तुम्हारे इंतजार में सारी उम्र गुजार दूंगा। अभी इसके बाबा की बात ही हो रही थी और उन्हीं की कॉल आ गई। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? एपिक ने तो मना किया था कि मैं उनसे बात ही ना करूं। क्या करूं मैं, बुरा फंस गया मैं तो। जी बोलिए। हाँ करीम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, काम बताएं आप। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ होटल पर। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है बाबा। बाबा आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आपसे मिल लूंगा, लेकिन ये बात एपेक को बिल्कुल नहीं बताइएगा कि आपने मुझसे मिलने के लिए कॉल की थी। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है बाबा, कल मैं आपसे मिलता हूँ। Love's an unlamar.